शुद्ध सिद्धांत पीने का चुना। ये ना ही आपके शरीर के अंदर हो रही कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, बल्कि मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। रोज सुबह 3 से 4 बूंदे गर्म पानी में डाल के पीजिए और हर दर्द से मुक्ति पाइए। हम क्वालिटी में मानते हैं, कंपटीशन में नहीं। नमस्कार, एक्सोटिक वेबिनार डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है डॉक्टर पारुल बड़गामा जी, जो IMA के प्रेसिडेंट है। पारुल जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। और उनके साथ दूसरे हमारे डॉक्टर है, जो फर्स्ट में है डॉक्टर समीर कामी जी, जो चेस्ट फिजिशियन है। समीर जी, आपका भी स्वागत है हमारे स्टूडियो में। साथ में है डॉक्टर निकुंज भाई इतलानी, वो ऑनको सर्जन है। सर जी, आपका भी स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हमारी जो सीरीज ऑफ हेल्थ अवेयरनेस जो है, उसमें हम आज जानेंगे लंग कैंसर के बारे में, जो फेफड़ों का कैंसर है उसके बारे में हम जानेंगे आज। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी पारुल जी, लंग कैंसर जो आप IMA की प्रेसिडेंट है, तो आपने प्रेसिडेंट होने के बाद में ये लंग कैंसर जो है उसका मतलब आगे आप क्या करने वाली है उसमें? जी अमिनी जी, लंग कैंसर की नहीं है, वो पूरे विश्व की है। आप अमेरिका में देखे, USA, यूनाइटेड स्टेट्स, सब जगह लंग कैंसर के जो दर्दी हैं काफी ज्यादा हैं। और सालों से इस नवंबर महीने को लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह मनाया जा रहा है। और मेन उसका जो उद्देश्य है कि लंग कैंसर के बारे में अलग अलग जानकारी लोगों तक पहुंचे, लंग कैंसर किस कारणों से होता है, तो ये सब चीजें लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। और उससे डरे बिना उसका निदान करने की जरूरत है, उसके लिए जो एक्सरे, सिटी स्कैन, वो सब करने की जरूरत है। और जिस तरह से स्मोकिंग की जो बात है, वो लेडीज में भी आजकल बढ़ने लग गई है, तो इसके द्वारा लोगों को एक मैसेज पहुंचाना है कि लंग कैंसर बीमारी अब वेस्टर्न कंट्रीज की खाली नहीं रही है, इंडिया में भी काफी बढ़ रही है और हर स्टेट में बढ़ रही है। और उसका मेन जो कारण है वो स्मोकिंग है और बाकी एयर पॉल्यूशन, हमारी डाइट हैबिट्स है, वो सबके कारण अब हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं, लंग कैंसर को हम किस तरह से रोकें और अगर हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करें। तो इसलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलग अलग जगह पे जाके इस तरह के सेमिनार्स करना चाहता है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए हम सेमिनार करना चाहते हैं, स्कूल्स में जाके हम स्मोकिंग किस तरह से बंद किया जाए, स्मोकिंग सिजेशन किस तरह से किया जाए, उसके सेमिनार करना चाहते हैं। और लेडीज, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको भी स्मोकिंग नहीं करें उसकी एडवाइस देना चाहते हैं। जी, तो दर्शक मित्र, आज हम जो जानने वाले हैं वो है लंग कैंसर, मतलब फेफड़ों में जो कैंसर होता है उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ आज यहाँ पे सूरत के बहुत नामांकित डॉक्टर्स यहाँ पे उपस्थित है और बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने वाले हैं। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, क्योंकि आजकल लंग कैंसर की जो बीमारी है वो बहुत गंभीर रूप ले चुकी है ऐसा माना जाता है। और फेफड़ों में पानी, फेफड़ों में टीबी आपने सुना ही होगा, लेकिन फेफड़ों में कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, तो इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। समीर जी, पहले ये कैंसर के बारे में आप बताइए थोड़ा सा, ये कैंसर कैसे होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए? एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर समीर गामी, चेस्ट फिजिशियन, फेफड़ों एवं सांस के रोगों का निष्णात। यानी जो कैंसर जो इस बीमारी है वो है ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल्स, मतलब बॉडी में जब कोई सेल म्यूटेशन होता है कोई भी ऑर्गन का, तो ओवर प्रोडक्शन करता है और वो खराबी पैदा करता है जो ऑर्गन में बढ़ता है। जब वो म्यूटेशन फेफड़ों के सेल्स में होता है तब उसको लंग का कैंसर बोलते हैं। लंग का कैंसर, काफी अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, हमारी लैंग्वेज में उसे स्मॉल सेल, नॉन स्मॉल सेल में डिवाइड किया जाता है। ये एक फेफड़ों की बीमारी है जिसमें एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ होता है। और लंग कैंसर के जो लक्षण होते हैं वो मेनली खांसी आना, खांसी में खून आना, छाती में दर्द होना, हल्का बुखार रहना, बिना कुछ किए वजन का कम होना, ये कॉमन सिम्टम्स है लंग कैंसर के। जैसे पारुल ने कहा, लंग कैंसर का सबसे मेन रीजन है स्मोकिंग। आज हम जब भी कोई सिनेमा देखने जाते हैं, जब भी कोई सीरीज देखते हैं, सबसे पहला ऐड आता है कि नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग। इफ यू टेक
100 पेशेंट्स का उसमें से 85 पेशेंट्स दोज वर स्मोकिंग उनको कैंसर होता है, उसमें लंग कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है स्मोकर्स में। आज आप जानेंगे कि जैसे पिछले कई दिनों से चल रहा है दिल्ली में एयर पोल्यूशन इंडेक्स काफी हाई है, एयर पोल्यूशन इज वेरी हाई, एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो कॉजिंग लंग कैंसर इन मेट्रो सिटीज। अगर आप देखें कि कोई पर्सन कोई व्यक्ति रह रहा है गांव में और कोई व्यक्ति रह रहा है दिल्ली मुंबई चेन्नई बेंगलुरु जैसे सिटी में और वो स्मोकिंग नहीं कर रहा है तो ऐसे सिटी में रहने वाले को लंग कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है जो करीब जो गांव में रहते हैं उसका मुकाबले। तो लंग कैंसर एक म्यूटेशन सेल्स का डिजीज है और स्मोकिंग से ज्यादा कॉमन रहता है। जैसे आप बोलते हैं कि ये कैंसर की जो फेफड़ों में जो बीमारी आती है वो ज्यादातर आप बोल रहे हैं स्मोकिंग से होता है या तो ड्रिंक करते हैं वैसे होता है, तो मतलब उसके जो मेन जो सिम्टम्स है वो क्या क्या होंगे? जैसे मैंने बोला कि स्मोकिंग जो हैवी स्मोकिंग करते हैं, मान लो कोई व्यक्ति रोज का एक पैकेट सिगरेट पीता है और वो एक साल तक पीता है तो उसको पैक ईयर्स कहते हैं कि वन पैक पर डे फॉर वन ईयर इज वन पैक ईयर। अगर कोई मरीज 20 से 25 साल तक स्मोकिंग करता है वन पैक पर डे तो उसे 20 to 25 पैक ईयर्स कहते हैं। ऐसे मरीजों में लंग कैंसर होने के चांसेस 16 से 18% है और उनके सिम्टम्स जो है वो खांसी में खून आना, वजन कम होना, छाती में दर्द होना, कभी कभी सांस फूलना, ये सब लंग कैंसर के सिम्टम्स है। एक चीज में इसमें थोड़ा कहना चाहूंगी कि पैसिव स्मोकिंग भी एक चीज होती है कि जिसमें कई बार जो स्मोक कर रहा है उसके आजू बाजू जो लोग बैठे हैं तो उसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग, यानी वो खुद नहीं कर रहे हैं लेकिन वो अफेक्टेड होंगे। उसी तरह गांव में कई बार चूल्हा स्मोक करते हैं तो उसके जो चूल्हा पे जो खाना बनाने वाली लेडीज होती है उनका स्मोकिंग ऑटोमेटिकली होता रहता है, भले वो सिगरेट स्मोकिंग नहीं है फिर भी स्मोकिंग है। तो ये कारण कई बार मदर प्रेग्नेंट होती है और फिर स्मोकिंग होता है, कई बार बच्चे साथ में होते हैं तो वो भी पैसिव स्मोकिंग कहलाता है। तो पैसिव स्मोकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है जिससे लंबे समय पे वो हो सक कैंसर हो सकता है और एलर्जी भी उसके कारण काफी सारे लोगों में पाई गई है। जी इसका इलाज मतलब कैसे किया जाता है? कैंसर सबसे पहले डिटेक्शन जरूरी होता है, कैंसर के डिटेक्शन के लिए काफी टेस्ट अवेलेबल है। तो सबसे पहला और सिंपल टेस्ट है वो चेस्ट एक्सरे, छाती के फेफड़ों का एक्सरे। उसमें जब आपको लगता है कि डाउटफुल है कैंसर जैसे चिन्ह पाए जाते हैं तो ऐसे मरीजों व्यक्ति को हम सीटी स्कैन के लिए भेजते हैं। सीटी स्कैन में आपका ऑलमोस्ट कंफर्म होता है कि आपको कैंसर है या नहीं है। कैंसर है ऐसा जब सीटी स्कैन में लगता है तब वी हैव टू फाइंड कैंसर का कौन सा स्टेज है, कौन से टाइप है। जो कैंसर का स्टेज वगैरह है वो निकुंज भाई आपको ज्यादा बताएंगे। कैंसर के जो टाइप होते हैं वो हम लोग बायोप्सी करके पता करते हैं, जैसे फेफड़ों में से एक छोटा सा जो गठन होती है उसका एक टुकड़ा निकालते हैं, दो चीज से बायोप्सी करते हैं, एंडोस्कोपी मतलब ब्रोंकोस्कोपी से करते हैं या फिर एक सुई मार के जो टिश्यू दिख रहा है कैंसर का उसमें से टिश्यू निकाल के हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसमें कौन सा कैंसर है या नहीं है तो कौन से टाइप का कैंसर है और कौन से स्टेज का कैंसर है वो अपना डॉक्टर लोग पता करते हैं। लेकिन ये जो कैंसर है वो पता कैसे चलता है कि इसको कैंसर है, मतलब आप ट्रीटमेंट उसका मतलब बायोप्सी करने के बाद ही पता चलता है कि उससे पहले कोई भी कैंसर का डायग्नोसिस बायोप्सी के बिना संभव नहीं है, इसको टिश्यू डायग्नोसिस बोलते हैं। एक्सरे सीटी स्कैन वगैरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं, आपका अंदाजा 90-95% तक भी कई बार सही होता है, बट आपको 100% जानने के लिए आपको ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए बायोप्सी की जरूरत रहती है। लेकिन डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए अगर कोई मरीज को वार्निंग साइंस दिखता है? यस, वार्निंग साइंस जैसे मैंने बोला, मैं दोहराऊंगा कि जब कोई मरीज लंबे टाइम से स्मोकिंग करता है, कोई ओल्ड एज पर्सन है उसको खांसी चल रही है 2-3 महीनों से, खांसी में बलगम निकल रहा है, कभी कभी खांसी में खून आता है, आपका वजन कम हो रहा है बिना कुछ एक्सरसाइज किए, बिना कुछ डाइटिंग किए आपका वजन कम हो रहा है, आपको छाती में पर्टिकुलर एक साइड पे या एक जगह पे ही दर्द हो रहा है, अगर आपको ये सिम्टम्स है तो तुरंत आपको आपके नजदीकी डॉक्टर या एवं कोई स्पेशलिस्ट की मुलाकात करनी चाहिए। जी दर्शक मित्र, मैं वापस आपको बता दूं कि आज हम जो बात कर रहे हैं वो है लंग कैंसर, मींस के फेफड़ों में जो कैंसर होता है उसी के बारे में हम विशेष जानकारी आपको देने जा रहे हैं। हमारे सूरत के नामांकित डॉक्टर हमारे साथ है। वापस मैं बता दूं आपको, समीर कामी जी जो है
चेस्ट फिजिशियन है समीर जी, उनके बाजू में है निकुंज जी जो सर्जन है कैंसर के, और पारुल वड़कामा जी वो भी इस क्षेत्र में डॉक्टर मतलब बहुत आईएमए की प्रेसिडेंट तो है ही, लेकिन इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा ऐसा काम करती है लोगों के लिए। सो वो भी हमारे साथ है यहाँ पे। सो निकुंज जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि ट्रीटमेंट मतलब कैसे होता है और कौन से स्टेज में ट्रीटमेंट करना चाहिए। पहले तो एक्सोटिक वेबपीडा के दर्शक मित्रों का धन्यवाद, रानी जी का धन्यवाद कि मुझे यहाँ ये चैनल में बुलाया ताकि हम लोग आपको सही जानकारी दे पाए। तो जैसे डॉक्टर पारुल जी ने बताया था आपको कि फेफड़ों के कैंसर के बारे में बहुत कुछ करने की जरूरत है, तो उसका रीज़न क्या है पहले तो वहाँ से शुरुआत करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है वो फेफड़ों का कैंसर है। एक नंबर्स के हिसाब से बताऊँ तो लगभग हर साल फेफड़ों का कैंसर के नंबर है कि 1.8 मिलियन पीपल को फेफड़ों के कैंसर होते हैं, जिसमें से कम 90 लाख लोग फेफड़े के कैंसर से डेथ होते हैं। सो इट इज़ अ वेरी बिग नंबर्स एंड इन इंडिया ऑल्सो वी हैव ऑलमोस्ट 1.1 लाख पीपल आर अफेक्टिंग फ्रॉम द लंग कैंसर एवरी ईयर, न्यू केसेज आर डायग्नोज। सो ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल आर अफेक्टेड विद लंग कैंसर एवरी ईयर, आउट ऑफ दैट 90,000 आर गोइंग टू बी डेथ विद इन अ ईयर। So that is a very big number all over the world and in the India also. ग्लोबाकोन एक संस्था है कि जो ये कैंसर्स के नंबर्स देखती है, तो ग्लोबाकोन संस्था है वो अराउंड 108 कंट्रीज के डेटा कलेक्ट करती है। आउट ऑफ दिस 108, 95 कंट्री में लंग कैंसर इज द नंबर वन किलर। सो ऑलमोस्ट ऑल कैंसर का नंबर वन किलर इज अ लंग कैंसर। इंडिया में देखा जाए तो मेल में लंग कैंसर इज ऑन द सेकंड नंबर एंड इन फीमेल इट इज अ फोर्थ नंबर, ओवरऑल लंग कैंसर इज ऑन द फोर्थ नंबर। सो इट इज अ इन शॉर्ट वे लंग कैंसर इज अ वेरी डेडली डिजीज, उसमें अभी भी हम ट्रीटमेंट करके बहुत ज़्यादा रिजल्ट क्यों नहीं ले पा रहे। तो मेन रीजन है कि हमारे पास जो कैंसर के जल्दी आते हैं वो बहुत लेट स्टेज में आते हैं। लाइक एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा कि मैं मेरी प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट एवरी वीक 4 से 5 लंग कैंसर के नए मुद्दे देखता हूँ, तो जिसमें से ऑपरेशन के लायक साल में 5 दर्दी होते हैं। ऑपरेशन के लायक दर्दी कौन से होते हैं कि जो कैंसर पहले स्टेज में होता है वो लोग। तो ये स्टेजिंग क्या है, जैसे समीर जी ने बताया कि पहले सिम्टम्स आए, आपने कोई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को डाउटफुल हुआ कि भाई ये लंग कैंसर हो सकता है, तो उसके लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। इन्वेस्टिगेशन में पहला पोर्शन हम आता है तो सिटी स्कैन आता है। सिटी स्कैन से हमें एक अंदाजा मिलता है कि कैंसर हो सकता है। उसके बाद टिश्यू डायग्नोसिस यानी बायोप्सी, बायोप्सी से हम कंफर्म करते हैं। बायोप्सी डॉक्टर समीर जी ने बताया वैसे ब्रोंकोस्कोपी यानी दूरबीन डाल के भी कर सकते हैं या सुई मार के कर सकते हैं। तो ट्यूमर का लोकेशन कहाँ पे उस पर हम डिसाइड करते हैं कि बायोप्सी किस तरीके से करनी चाहिए, कौन से पेशेंट में। एक बार बायोप्सी में कन्फर्म हुआ कि कैंसर है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है, वो है स्टेजिंग का, कि कैंसर बॉडी में कितना है, कहाँ तक फैला हुआ है, तो वो चेक करना है। तो उसके लिए हम आइदर अगेन सिटी स्कैन का सहारा लेते हैं या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं वो पैट सिटी स्कैन, कि पूरी बॉडी का एक पैट स्कैन करते हैं। तो पैट स्कैन के हिसाब से बॉडी में कहाँ कितना कैंसर का प्रमाण है वो पता चलता है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में स्टेज को जस्टिफाई करूँ तो स्टेज वन लंग कैंसर यानी कि एक छोटा सा ट्यूमर जो 7 सेंटीमीटर से कम है और एक ही जगह पर फेफड़े में पड़ा है, तो ऐसा ट्यूमर है तो वो वेल ऑपरेबल हम बोलते हैं कि इसको सर्जरी से हम निकाल सकते हैं। फेफड़े का उतना पोर्शन हमने निकाल दिया तो दर्द ठीक हो जाता है जी। स्टेज टू कैंसर बोले तो ट्यूमर की साइज थोड़ी बड़ी रहती है और आजू बाजू थोड़े से लिम्फ नोड्स, हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं तो लिम्फ नोड्स होते हैं। स्टेज थ्री कैंसर बोले तो उसमें नोड्स ज्यादा रहते हैं। एंड स्टेज फोर कैंसर बोले तो कैंसर कहीं और जगह पर फैल गया है, लाइक वही फेफड़ों में आजू बाजू फैल चुका है या दूसरे फेफड़े में है या फेफड़ों में पानी भर जाना है या कैंसर लीवर में हड्डी में कहीं पे भी फैल सकता है। फेफड़ों का कैंसर वो हड्डी में बहुत ज्यादा फैलता है या ब्रेन में भी बहुत ज्यादा फैलता है। तो ये अलग अलग 4 स्टेज हो जाते हैं। तो इसमें से जो स्टेज 1 और स्टेज 2 के दर्दी है वो ऑपरेशन के लायक होते हैं, जिसमें हम गठान को या उतना फेफड़े के पोर्शन को ऑपरेशन करके निकाल देते हैं और उतना पोर्शन फेफड़ा निकालने से दर्दी को उनकी नॉर्मल लाइफ जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और पेशेंट अपनी लाइफ कंफर्टेबली जी सकते हैं। तो ऐसे स्टेज 1 और 2 के दर्दी है, इनकी लाइफ स्टाइल हम बोलते हैं कि लाइफ स्पान है वो 5 ईयर्स और उनसे ज़्यादा रहने की उम्मीद ज़्यादा है। सो ओवरऑल लंग कैंसर में हम बोले कि 5 ईयर्स जो दर्दी जिंदा रहते हैं उसका जो परसेंटेज है वो 80-20% है, उससे ज़्यादा नहीं है।
स्टेज 3 और 4 के लंग कैंसर है उसकी मेन ट्रीटमेंट रहती है वो कीमोथेरापी या नाउडेज वी आर कॉलिंग समथिंग कॉल्ड टारगेटेड थेरापी वो करते हैं। सो टारगेटेड थेरापी ऑल्सो एक वन टाइप ऑफ मेडिसिन होंगे मॉलिक्यूलर जिसमें जैसा डॉक्टर समीर ने बताया था कि कैंसर के सेल्स होते हैं उसमें जेनेटिक म्यूटेशन होता है तो हम पर्टिकुलरली पेशेंट में कैंसर में कौन सा म्यूटेशन है वो आइडेंटिफाई करते हैं और वो म्यूटेशन के हिसाब से वो पेशेंट को दवाई देते हैं। यदि वो पेशेंट में एक पर्टिकुलर म्यूटेशन मिल गया कि जिसकी दवाई मार्केट में अभी अवेलेबल है तो पेशेंट को दवाई से लंबे रिजल्ट मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। एक एग्जाम्पल के साथ बताऊँ कि ये कुछ दवाइयाँ मार्केट में आई अराउंड इन 2012 सो उससे पहले का सर्वाइवल डेटा देखा जाए कि एडिनो कार्सिनोमा लंग कैंसर था तो उसमें 5 ईयर सर्वाइवल स्टेज 4 में वॉज जस्ट 5% वो इम्प्रूव हो गया 2019 में अराउंड 10-12% तक आ गया सो दैट नंबर्स इज डबल ऑलमोस्ट दैट इज जस्ट बिकॉज के वो म्यूटेशन की दवाई हमें मिली है और वो दवाई से उतना फायदा हम ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट स्टेज पता चलने के बाद कैंसर की ट्रीटमेंट डिसाइड होती है उसमें शुरुआत के स्टेज का कैंसर हो तो हम ऑपरेशन करते हैं लेट स्टेज का कैंसर हो तो उनको कीमोथेरेपी से ट्रीट करते हैं। जी तो मतलब ये जो कीमोथेरेपी लेनी होती है और जो तो वो कितने समय तक लेनी होती है बेसिकली स्टेज 1 कैंसर होता है उसमें सर्जरी से काम हो जाता है स्टेज 2 और 3 कैंसर होता है जिसमें कीमोथेरेपी सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी या रेडिएशन की जरूरत पड़ती है जिसको हम एडजुवेंट ट्रीटमेंट करते हैं। एडजुवेंट ट्रीटमेंट में जो कीमोथेरेपी होती है वो 6 साइकिल पर रहती है और रेडिएशन होता है वो 28-30 डेज का रहता है। पर जो स्टेज 4 के कैंसर है जिसमें क्योर पॉसिबल नहीं है यानी वो पेशेंट को हम 100% ठीक नहीं कर सकते ऐसे केसेस में हमें कीमोथेरेपी कंटिन्यूस चालू रखनी है क्योंकि हम जैसे कीमोथेरेपी देते हैं लाइक आवर रूटीन प्रोटोकॉल इज कि वी हम 3 साइकिल कीमोथेरेपी देते हैं उसके बाद वापस सीटी स्कैन करके चेक करते हैं कि वो दवाई का असर आ रहा है बॉडी में या नहीं आ रहा है। बॉडी में यदि असर आता है तो दवाई का मैक्सिमम जो साइकिल्स रहते हैं 6 साइकिल या 8 साइकिल तक हम वही का वही दवाई कंटिन्यू करते हैं तो एक मैक्सिमम साइकिल तक मैक्सिमम डोज तक वो दवाई को दे सकते हैं वो डोज के बाद वो दवाई को हम रिपीट नहीं कर सकते तो दूसरी दवाई चेंज करके देते हैं। बट स्टेज 4 कैंसर है तो उसको प्रैक्टिकली वो दर्दी को दवाइयाँ कंटिन्यू यानी कीमोथेरेपी कंटिन्यू एक के बाद एक चालू रखनी पड़ती है जब तक डिजीज कंट्रोल में है तब तक। निकुंज भाई समीर अब हम कई बार देखते हैं कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट हमारे पास लेट स्टेज में आते हैं और लेट स्टेज में आने के बाद भी उनको इतनी मन में घबराहट होती है कि अब हम ये कीमोथेरेपी कराएं कि नहीं रेडियोथेरेपी कराएं कि नहीं ऑपरेशन कराएं कि नहीं तो दर्शक मित्रों को आप बताना चाहेंगे कि ये जो अलग अलग जो मन में उनके भ्रम है कि भाई ऑपरेशन कराने के क्या रिस्क हो सकते हैं कीमोथेरेपी के क्या रिस्क हो सकते हैं और रेडियोथेरेपी के क्या रिस्क हो सकते हैं और कुछ रिस्क होते हैं जो टेम्पररी होते हैं वापस आ जाते हैं तो मैं चाहूंगी कि समीर ये बताएं कि रेडियो अपनी कीमोथेरेपी के टेम्पररी रिस्क क्या हो सकते हैं और आप ऑपरेशन के रिस्क क्या हो सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव रिस्क क्या हो सकते हैं। दर्शक मित्रों जैसे निकुंज ने बताया कि 2 टाइप के ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी और ऑपरेशन। कीमोथेरेपी अपने को जैसे कीमोथेरेपी एक टाइप का इंजेक्शन ही होता है जो मरीज को दिया जाता है हर 21 दिन में 21 दिन की साइकिल होती है। कीमोथेरेपी क्या करती है कि जो बॉडी के म्यूटेटेड सेल है उनको किल करती है। उसका ड्रॉबैक है कि जैसे ये म्यूटेटेड सेल को किल करती है उसका नॉर्मल सेल्स पे भी इफेक्ट होता है और नॉर्मल सेल्स भी कई जगह पे किल होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम होते हैं वैसे ही जब आप कीमोथेरेपी देते हैं कोई मरीज को तो उनके WBC काउंट यानी कि श्वेत कण कम होते हैं। ये सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है। श्वेत कण अपने बॉडी में इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनकी जिम्मेदारी है कि बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन घुसे जब भी कोई बैक्टीरिया जो बॉडी में एंटर होता है तो उसके सामने लड़ने की फर्स्ट डिफेंस सिस्टम इज WBC दैट मीन्स व्हाइट ब्लड सेल श्वेत कण। तो वो श्वेत कण की कमी होती है तो टेम्पररी होती है वंस कीमोथेरेपी की इफेक्ट जाती है श्वेत कण अपने आप धीरे 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 बढ़ने लगते हैं। तो मोस्ट कॉमन इज WBC का कम होना कीमोथेरेपी के बाद। कीमोथेरेपी की दूसरी साइड इफेक्ट जो रहती है वो रहता है कि वॉमिटिंग वगैरह रहना पेट में गड़बड़ी रहना कई कई मरीजों को बाल वगैरह जाने की संभावनाएं रहती है बट दिस ऑल आर टेम्पररी। जब तक कीमोथेरेपी चलती है मरीज को खास करके जिनको हाई डोज कीमोथेरेपी जा रही है उनको घर से बाहर नहीं निकलना है इन्फेक्शन हो सके ऐसी जगहों में नहीं जाना है। ऐसे मरीजों को घर में अगर कोई गेस्ट वगैरह आते ज्यादा मिलना जुलना नहीं है ऑल द इन्फेक्शन दे स्प्रेड बाय अदर पीपल तो उनको इन्फेक्शन से बचाए अगर रखा जाए 6 हफ्ते तक तो उनका सर्वाइवल काफी ज्यादा रहता है। कीमोथेरेपी
nowadays with better molecule, अच्छे से अच्छे molecule, complication के अच्छे से अच्छे treatment, जो 10 साल पहले थी और आज की कीमत रखे देखे तो उसमें काफी अंतर है। और oral chemotherapy मतलब tablet chemotherapy also available, जैसे targeted therapy है, कोई particular gene mutation हुआ है तो ऐसे मरीजों को इंजेक्शन की जगह टेबलेट देते हैं तो भी उनका सेम बेनिफिट रहता है इंजेक्शन के मुकाबले। तो कीमोथेरेपी इज नॉट दैट डेंजर ड्रग टू टेक। जो लोगों में भ्रम रहता है, जो मान्यता रहती है कि कीमोथेरेपी लेने से ज्यादा नुकसान होता है, ज्यादा कैंसर फैलता है, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप कीमोथेरेपी नहीं लेते हैं तो कैंसर फैलता है, कीमोथेरेपी से कैंसर फैलने के चांसेस कम होते हैं। समीर जी ने बहुत अच्छा बताया कि कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट है वो काफ़ी नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट्स है, उससे उनसे उतना डरना नहीं चाहिए। जैसे डॉक्टर पारुल ने बताया कि हमारे पास पेशेंट लेट क्यों आते हैं, तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये बीमारी का सोसाइटी में जो डर है वो बहुत ही बड़ा है। यानी काफी बार तो हम देखते हैं हमारी प्रैक्टिस में कि पेशेंट को एक अंदाजा हो सकता है क्योंकि ये जो लंग कैंसर है वो ही बहुत बड़ी बीमारी है। सो नेचर बात है कि वो डर ही जाएगा, किसी को भी कुछ भी आएगा क्योंकि आजकल ट्रीटमेंट भी इतनी हाई हो गई है ट्रीटमेंट, क्योंकि आजकल नॉर्मल फैमिली में अगर किसी को कुछ हो जाए तो वो इतना पैसा खर्चा नहीं कर सकता है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी कई कई लोगों की मौत हो जाती है। पारुबेन क्या बोलते हैं आप? सही है, लेकिन ये इस कैंसर में अभी सही नहीं है, गवर्नमेंट ने काफी सारे मारवाड़ योजना, लेकिन लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि इतनी सारी स्कीमें आ चुकी है और आप इजीली ट्रीटमेंट करवा सकते हो, तो उसी के वो हम लोग सबको और दर्शक मित्रों को बताना चाहूंगा। जैसे आप बोल रहे हो ये कॉस्टली है, पहले से सस्ती हुई है बट स्टिल इट इज कॉस्टली फॉर मेनी फैमिलीज। तो आप आज से ही जागिए, जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग आज से ही बंद करें, जिनके घर में स्मोकिंग चल रहा है वो घर वाले उनके मेन फैमिली मेंबर को बताएं। स्मोकिंग टेम्पररी आपको प्लेजर दे सकता है बट लॉन्ग टर्म में आपको और आपकी फैमिली को काफी बैकवर्ड ले जा सकता है। और दूसरा एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे डॉक्टर समीर ने बताया था कि वन पैक ईयर इज व्हाट इज वन पैक ईयर, सो वन पैकेट ऑफ सिगरेट पर डे, नाउ व्हाट इज द कॉस्टिंग ऑफ दैट वन पैकेट ऑफ सिगरेट पर डे इज मिनिमम 35 रुपीज। सो इन 35 रुपीज दे कैन टेक अ इंश्योरेंस ऑफ मेडिक्लेम ऑफ 500 रुपीज फॉर द फैमिली, सो दैट कैन सर्वाइव योर फैमिली विदाउट एनी गवर्नमेंट और एनी स्कीम्स और विदाउट हेल्प ऑफ एनी पीपल। सो वेन एवर यू आर गिविंग द मनी टू योर एडिक्शन लाइक अल्कोहल स्मोकिंग, तो उससे भी कम पैसे में आप मेडिक्लेम ले सकते हैं। तो रेदर देन गोइंग टू मास स्कीम और एनी अदर गवर्नमेंट स्कीम, आपको सेल्फ सस्टेन होना है, एक अच्छा इंश्योरेंस अपनी फैमिली के लिए लेना है और वो जरूरी है, ताकि हम लोग कभी भी आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग इजीली अच्छी ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल हो सकता है। बट नॉट ओनली द फाइनेंस, बट सोसाइटी में ये बीमारी का डर ऐसा है कि भाई मुझे कैंसर होगा तो क्या होगा, लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए नहीं आते। दूसरा जैसा समीर जी ने बताया था कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट, तो ऐसे लोगों को एक वो भी डर रहता है कि लाइक कीमोथेरेपी हम करेंगे तो बेड रिडन हो जाएंगे, पेशेंट खड़ा नहीं हो पाएगा, रेडिएशन लेके हाँ कॉमन वस्तु की दवा गरम पड़े जी, रेडिएशन की ट्रीटमेंट लेंगे तो पेशेंट खड़े नहीं हो पाएंगे। सो ऑल दीज आर द बिलीफ्स इन सोसाइटी, तो हमें साथ में मिलकर बिलीफ को डिसबिलीफ में कन्वर्ट करना है। हमारे इतने सारे पेशेंट है जो कीमोथेरेपी के साथ जॉब पे जाते हैं, लाइक टीचर्स है तो टीचिंग करते हैं, बैंक में थे तो बैंक ऑफिस में जाते हैं, उनका रूटीन वर्क करते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट उतनी टॉक्सिक नहीं है जितनी आज से 10 साल 15 साल पहले थी। जैसे उन्होंने बताया वैसे आज उसकी सपोर्टिव मेडिकेशन भी उतनी बढ़ गई है, तो सपोर्टिव मेडिकेशन की वजह से लाइक कीमोथेरेपी के बाद जिस ये सब इंजेक्शन आता है तो वो रूटीनली हम लेते हैं, तो पेशेंट के जो काउंट कम होने के इंसिडेंट्स पहले होते थे उससे बहुत कम हो गए अभी, तो पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें है कि सपोर्टिव मेडिकेशन भी उतनी बढ़ गई है कि ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफेक्ट भी काफ़ी कम हुई है। So, जो वो सोसाइटी में डर है वो निकालने की जरूरत है, कैंसर की ट्रीटमेंट पॉसिबल है फाइनेंशियली ऑल्सो, मैंने बोला ऐसे आइदर मेडिक्लेम आइदर गवर्नमेंट स्कीम और सेल्फ सस्टेन, देयर आर सो मेनी एनजीओस हु आर रेडी टू हेल्प यू, तो फाइनेंशियली भी उतना टेंशन नहीं होता है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वो आपको पहले बाहर आना है और आपको ट्रीटमेंट के लिए आपकी इच्छा दिखानी है कि मैं ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ, क्योंकि कैंसर जब फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में पता चलेगा तो ही हम उसको जीत पाएंगे। स्टेज फोर में जो कैंसर आते हैं तो हम उसको नहीं जीत पाते। आज लंग कैंसर में जो बड़ा इश्यू है वो वही है कि मेजोरिटी आर पेशेंट कमिंग इन स्टेज फोर डिजीज, दैट्स व्हाई वी डोंट हैव अ रिजल्ट। जी जी, मतलब फर्स्ट स्टेज आता है तब
तो पता ही नहीं चलता है, ऐसा बोल सकते हैं। तभी वो लास्ट स्टेज पर आते ही आपसे मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ज्यादातर लोग जब देरी से जाते हैं तब अपनी जान मतलब चली जाती है, ऐसा हो जाता है। ये कुछ केसेस में मैं कहूंगी कि 40-45 इयर्स के बाद एक ईयरली स्क्रीनिंग भी होना चाहिए जी। एटलीस्ट जो स्मोक करते हैं उनको एटलीस्ट एक साल में एक बार एक्सरे करवाना चाहिए। ऐसी कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन नहीं मेंशन है, पर एटलीस्ट इस साल में एक बार कुछ कुछ रिपोर्ट्स का हेल्थ चेकअप तो होना ही चाहिए। जैसे सब रिपोर्ट का होना चाहिए। आप घर में फोर व्हीलर रखते हो तो एवरी 6 मंथ में आप उसको सर्विस करवाने ले जाते हो। बिल्कुल। This 100%. Body. So you have to go to the hospital every yearly and do a routine health checkup everybody after the age of the 35. So whenever we are doing these things, we can pick up the disease in a very early stage. जी, पारुल जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो रिसर्च हमने किया है उसी के मुताबिक पुरुषों को ही ज्यादा ये लंग कैंसर होता है, महिलाओं में कम दिखता है, तो क्या रीजन है इसका भी? पुरुषों में ये बात अभी ये बात सही है, बट अभी रिसेंट पिछले 10 साल में धीरे धीरे महिलाओं में भी कैंसर बढ़ रहा है। जो मेन रीजन जो पुरुषों में पहले से ज्यादा रहा है, तो एक तो मेन रीजन ये रहा है कि स्मोकिंग हमेशा मेल्स में वेस्टर्न कंट्रीज और इंडियन कंट्रीज दोनों में ज्यादा रहा है पहले से। अब लेकिन स्मोकिंग का ट्रेंड क्या है कि फीमेल्स में भी बढ़ रहा है, तो वो एक रीजन है, स्मोकिंग मेन रीजन रहा है पहले से। फिर बात करेंगे आउटडोर पॉल्यूशन, जैसे पुरुष मेन लोग ज्यादा पुरुष ज्यादा घर के बाहर गए, ज्यादा इंडस्ट्रीज में काम किया, ऑक्यूपेशन की वजह से जो कई बार जहाँ काम करते हैं वहां भी पॉल्यूशन आता है, तो उसके कारण भी एक ऑक्यूपेशन हैजर्ड की वजह से या एयर पॉल्यूशन की वजह से भी, क्योंकि पुरुष बाहर काम ज्यादा करते थे तो एक वो रीजन था जो अब महिलाओं में भी बढ़ रहा है क्योंकि महिलाएं भी जा रही है। तो ये दो मेन रीजन है। दूसरा एक तीसरा बहुत रेयर रीजन है, बट आर्सेनिक और रेडियम करके जो गैस होती है या फूड पार्टिकल्स हैं, आर्सेनिक कई बार वेल वाटर्स में या इम्प्योर पानी में या इम्प्योर खाने में पाए जाते हैं, तो ये चीजें भी हैं जो कैंसर को बढ़ावा देती हैं। तो ये तीन चीज मेन कारण है कि जिससे पुरुषों में ज्यादा है और महिलाओं में कम है। बट महिलाओं को भी अब सतर्क होने की जरूरत है। आजकल हम जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल की वजह से हमने स्मोकिंग एक स्टेटस सिंबल या एक स्टाइल बना लिया है, और काफी महिला बोलती है, खुले में बोलती है कि हम स्मोक करते हैं, बट दैट इज नॉट अ फैशन, बिकॉज दैट फैशन विल किल यू। सो अभी काफी 10 सालों से महिलाओं में चांसेस बढ़ते रहे हैं और अभी भी बढ़ रहे हैं, और इंडिया में भी काफी बढ़ रहे हैं। तो महिलाओं के लिए एक स्पेशल मैसेज है कि हर चीज का अनुकरण नहीं करें, और स्मोकिंग जरूरी नहीं है कि हम स्मोकिंग करें, और उसके अलावा भी कई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रेशियो बढ़ना चाहिए, हमारे रेशियो को दोनों में कम करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो मित्र दर्शक मित्र, यही मतलब कई प्रकार के कैंसर में से ये एक लंग कैंसर है, और ये बहुत ही घातक बीमारी है। लेकिन अगर इसका वक्त पे इलाज अगर करवाया जाए तो बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। लेकिन पारुल जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो लंग कैंसर होता है या तो किसी भी कोई भी कैंसर हो, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? रोकने के लिए जो बताया समीर जी ने भी बताया, निकुंज मैंने बताया, सबसे पहली बात जो है रोकने के लिए हमें आज के आज स्मोकिंग बंद करना है। और ये इतना इजी नहीं होता है, कई बार हमें इसके लिए मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। कई सारे स्मोकिंग डी एडिक्शन सेंटर्स, टोबैको डी एडिक्शन सेंटर, यानी उसको कैसे बंद करना है उसकी भी काउंसलिंग सेंटर चलते हैं। आप साइकेट्रिस्ट यानी मानसिक रोग के डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसकी हेल्प लेके भी आप बंद कर सकते हैं। कई बार तंबाकू छोड़ने के लिए भी एक निकोटिन चिंगम्स टाइप के चिंगम्स भी आते हैं, काउंसलिंग सेशन भी होते हैं, और दवाई भी होती है, ठीक है, और कुछ कुछ इंजेक्शन भी आते हैं। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको स्मोकिंग छोड़ना है। फिर अगर खुद नहीं छोड़ पाते तो कोई बात नहीं, आप उसकी हेल्प लेके छोड़िए, बट छोड़ना जरूरी है, ठीक है। पॉल्यूशन की बात करें तो अब तो गवर्नमेंट ने भी काफी सारे इंडेक्स बनाए हैं, उस इंडेक्स के हिसाब से गाइडलाइन दी है। फिर भी हमें ये ध्यान रखना है कि एयर पॉल्यूशन से ज्यादा हम बच के रहें, और अगर ज्यादा पॉल्यूशन है तो हम मास्क पहने, सिंपल मास्क पहन सकते हैं, ट्रिपल लेयर मास्क पहन सकते हैं। ज्यादा और ज्यादा पॉल्यूशन है तो हम N95 मास्क
पहन सकते हैं। ऑक्यूपेशन में हम जहाँ हैं, जहाँ अगर इस तरह के पॉल्यूशन हैं तो हमें वहाँ भी आपके जो एम्प्लॉयर हैं उनकी ड्यूटी है कि वहाँ का पॉल्यूशन कंट्रोल में रहे और साथ में वो आपका ईयरली चेकअप भी करवाएं और साथ में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका भी रेगुलर चेकअप करवाएं और आपको प्रिवेंटिव डिवाइसेस जैसे कहते हैं एप्रोन होता है, मास्क होता है, गोगल्स होते हैं, इस टाइप की डिवाइस देना ऑक्यूपेशनल जो आपको नौकरी पे रख रहा है उसकी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो जिसको हम रोग प्रिवेंशन के तरह से अगर अप्लाई करें, पहले तो आपको खुद पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या बंद करना है तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। और जिस तरह से बोला अर्ली डिटेक्शन, अगर थोड़ी भी कंप्लेन है, ऐसा नहीं कि चलो खांसी में थोड़ा खून गिरा आज गिरा तो कोई बात नहीं, 10 दिन बाद तो कहाँ गिरा है, तो ये चीजें हम कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, उसी दिन हमको सारा रिपोर्ट करवा के डॉक्टर के पास पहुंचना है। जी बहुत ही अच्छी बात है, ये हम आज इन्फॉर्मेशन और जो माहिती हम देने जा रहे हैं वो है लंग कैंसर के बारे में हम बता रहे हैं आपको। दर्शक मित्र, अगर आपको भी कोई ऐसी कोई सिम्टम्स दिखते हैं, अगर आपको कुछ होता है तो आप जरूर से डॉक्टर का ही संपर्क करिएगा, अपने आप कुछ भी मत करिए क्योंकि ये बहुत ही लंग कैंसर जो है वो बहुत ही मतलब घातक बीमारी बोली जाती है, तो इसकी वजह से आपके आपके अंदर बॉडी में कुछ ना हो ज्यादा तो उसके लिए पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन सर एक जो बात है समीर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी जो केमोथेरापी एंड रेडियोथेरापी जो होती है उसमें कोई इन्फेक्शन या आर्डसर कुछ होता है ऐसा लोगों का मानना है? जैसे कीमोथेरापी में हमने डिस्कस किया, रेडियोथेरापी की जो साइड इफेक्ट्स है, रेडियोथेरापी मतलब के जो सेल्स है उसको रेडियोथेरापी से किल करते हैं। अभी नई जो मशीन आ रही है वो लीनियर मशीन, टारगेटेड मशीन आ रही है कि जो कैंसर सेल के ऊपर ही इफेक्ट करती है, आजू बाजू के सेल्स में इफेक्ट नहीं करती। रेडियोथेरापी इज आल्सो वेरी सेफ नाउ। रेडियोथेरापी में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे समीर ने बताया वैसे एक एडवांस रेडियोथेरापी आ गई है, लाइक ब्रेस्ट कैंसर में टोमोथेरापी मशीन अवेलेबल है। तो ऐसे मशीनों में कुछ बार क्या होता है कि ट्यूमर बहुत छोटी है पर पेशेंट की एज के हिसाब से या पेशेंट की फेफड़े की कंडीशन के हिसाब से हम ऑपरेशन नहीं कर पा रहे, तो वैसी जगह पर भी हम स्टीरियोटेक्टिक रेडियोथेरापी बोलते हैं कि रेडिएशन का डोज उतना हाई एक ही एरिया में दे सकते हैं वो मशीन की वजह से और ट्यूमर को किल कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। सो जहाँ पे पेशेंट की कंडीशन जनरल कंडीशन हमें सर्जरी अलाउ नहीं करती है वहाँ पे हम स्टीरियोटेक्टिक रेडियोथेरापी भी यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। जी पारुल जी, आप क्या हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? आपका जो ये अभी कैंसर वीक चल रहा है, कैंसर मंथ चल रहा है, तो आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहूंगी कि जो 90% कैंसर्स का मेन रीजन स्मोकिंग ही है तो स्टॉप स्मोकिंग बिकॉज इट इज गेटिंग मोर कॉमन इन यंग जनरेशन ऑल्सो। सो यंग जनरेशन को खास मेरे को मैसेज देना है कि आपको एंजॉयमेंट के काफी रास्ते हैं बट स्मोकिंग को डोंट यूज इट एज एन एंजॉयमेंट। जी पारुल जी के साथ ऐड करना चाहता हूँ, जैसा उन्होंने पहले भी बताया कि स्मोकिंग इज वन टाइप ऑफ फैशन। जी दूसरा उन्होंने अभी जो पॉइंट ऐड किया कि स्मोकिंग यंग जनरेशन में बढ़ा, तो एक सर्वे हुआ है कि कोई भी एडिक्शन है दैट एडिक्शन मोस्टली स्टार्ट इन द एज ऑफ द 20 to 25। यदि कोई भी पर्सन 25 की एज विदाउट एडिक्शन क्रॉस कर गया देन दैट पर्सन हैज चांसेस ऑफ एडिक्शन इज लेस देन 10%। सो मेनली हमें जो टारगेट करना है वो कॉलेज ग्रुप है, कि वो कॉलेज ग्रुप को हमें सिखाना है कि भाई आपके हीरो है वो आइडियल हीरो आपके फादर को माने या आपके आजू बाजू में जो है उसको माने, ना कि स्क्रीन हीरो को। प्रॉब्लम वहां होता है कि वो लोग स्क्रीन हीरो को अपना आइडियल मानते हैं कि जो बीड़ी सिगरेट की ऐड करते हैं या अल्कोहल की ऐड करते हैं और उनकी कॉपी करते हैं और दैट इज द मेन रीजन कि वो धीरे धीरे एडिक्शन में चले जाते हैं और उनको तब रियलाइज भी नहीं होता कि वो अपने साथ क्या कर रहा है। तो एक यंग जनरेशन के लिए खास मैसेज है कि भाई अपना आइडियल है वो अपने फादर को या अपने कोई भी फैमिली मेंबर को बनाइए, नॉट रदर देन द स्क्रीन हीरो। सेकंड थिंग, जैसे उन्होंने फारूक जी ने बताया था कि सिगरेट स्मोकिंग सिगरेट इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थी लाइफस्टाइल। साथ में समथिंग कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग, कि आपके बाजू में बंदा बैठा है और वो स्मोक कर रहा है और स्मोक आपके बॉडी में जा रही है तो दैट इज कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग, जिसके रीजन से भी हमें यहाँ पे कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो पैसिव स्मोकिंग भी अवॉइड करना चाहिए, लाइक आप सिनेमा हॉल में जाते हैं या शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे स्मोकिंग रूम्स रहते हैं,
तो वैसे ही घर में भी जब कोई बंदा स्मोक कर रहा है तो उसको भी आप एडवाइस कर सकते हो कि आप घर के बाहर जाके स्मोक करो, ताकि आपके फैमिली मेंबर्स को पैसिव स्मोकिंग ना हो, तो वो भी एक आपको आपके फैमिली मेंबर के साथ थोड़ा स्ट्रिक होकर बिहेव करना पड़ेगा। थर्ड थिंग आई वॉन्ट टू एड इज द मेक अ लाइफ स्टाइल हेल्दी, एटलीस्ट 30 to 45 minutes ऑफ एक्सरसाइज डेली एंड ईट ग्रीन लीफ वेजिटेबल स्मूथ टू मेक अ लाइफ स्टाइल हेल्दी। थैंक यू जी। समीर जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दो ही संदेश है। पहला, वी हैव टू प्रिवेंट कैंसर, दैट इज बाय स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग बंद करना है, बाकी सब फैक्टर्स को दूर रखना है। दूसरा, अर्ली डायग्नोसिस, आपको छोटे से छोटा भी सिम्टम्स लगे डॉक्टर के पास जाइए, सिविल हॉस्पिटल में जाइए, कहीं पे भी जाइए। एक्सरे चेस्ट इज नॉट वेरी कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन, एक अर्ली एक्सरे चेस्ट आपकी लाइफ बचा सकता है। थैंक यू जी। तो ऐसे ही मतलब हमारे जो सीरीज ऑफ हेल्थ अवेयरनेस के ऐसे ही प्रोग्राम में हमारे साथ और भी सूरत के ऐसे ही नामांकित डॉक्टरों के साथ हम फिर से आपके पास उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हमारे चैनल को देखने के लिए फेसबुक पेज हमारा लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हमारे साथ जो डॉक्टर थे, वापस मैं एक बार बता दूं, समीर गामी जी जो चेस्ट फिजिशियन है, साथ में निकुंज बितलानी जी वो ऑनको सर्जन है, मतलब कैंसर के सर्जन डॉक्टर है, और साथ में पारुल बड़गामा जी जो IMA की प्रेसिडेंट है। तो आप सभी का वापस फिर से धन्यवाद, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को आज मिली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंसर के पेशेंट होंगे, मरीज होंगे, उनको अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी आज। तो ऐसे ही हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। शुद्ध सिद्धांत पीने का चुना, ये ना ही आपके शरीर के अंदर हो रही कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, बल्कि मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। रोज सुबह 3 से 4 बूंदे गर्म पानी में डाल के पीजिए और हर दर्द से मुक्ति पाइए। हम क्वालिटी में मानते हैं, कंपटीशन में नहीं।